वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की DSP चौधरी आफताब अहमद की रिटायरमेंट के सिलसिला में मुनक़्क़दा तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर DSP को पुलिस में खिदमत सर अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने अपनी सरकारी सिक्योरिटी में तैनात DSP चौधरी आफताब अहमद की रिटायरमेंट के सिलसिला में मुनक़्क़दा तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने शोबे पुलिस में ग्रां कदर खिदमत अंजाम देने पर चौधरी आफताब अहमद को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए बतौर इनाम दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने DSP रिटायर्ड चौधरी आफताब अहमद को कहा कि चौधरी आफताब 31 दिसंबर को अपनी रिटायरमेंट बाद दोबारा मुलाजमत करना चाहे तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर में दोनों की ऑफर मौजूद है। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी रियाज अहमद, वजीर हुकूमत अली श्याम सोनी समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बाइज़्ज़त रिटायरमेंट सरकारी मुलाजम के लिए एजाज से कम नहीं होता और मुद्दत मुलाजमत के अख्तिताम पर खराज तहसीन पेश करना खिदमत का एतराफ होता है।